बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। आप देख रहे हैं AQ TV और मैं हूं गुलफाम अली हुसैनी, तालिब इल्म हूं इल्मुल हर्फो अदद का। नाज़रीन इकराम, आज सारी दुनिया हैरत में गुम है कि आखिर करबला और करबला वालों में क्या कशिश है कि पूरी दुनिया से बिला तफरीको मज़बो मिल्लत, रंगो नस्ल, ज़मानो मकान, हर इंसान दीवानावार करबला की तरफ चला आ रहा है। नाज़रीन इकराम, इमाम हुसैन अलैहि सलाम की कुर्बानी, वो कुर्बानी ज़िबल अज़ीम है जिसका कुरान में ज़िक्र है। मौला हुसैन अलैहि सलाम मज़लूम करबला के दिन अयाम चल रहे हैं। मैं बहुत बड़ा अमल लेके हाज़िर खिदमत हूँ। मैं तालिब इल्म हूँ हर्फो अदद का, तो मैंने मौला हुसैन बादशाह के नाम मुबारक के अदाद इल्म जफर से अदाद कमरी लिए, तो हे के 8, सीन के 60, ये के 10 और नून के 50, यानी 128 अदद है इस्मे पाक हुसैन मौला का। ये 128 का अदद अल्लाह पाक के दो नाम हैं, एक तो उसका ज़ाती इस्म है, ज़ाती नाम है इसमें ज़ात अल्लाह, उसके अदद 66 होते हैं, अलिफ का 1, लाम के 30, लाम के 30, हे के 5, यानी अल्लाह के अदद 66 हैं। अगर आप उसमें अल्लाह का मुबारक इस्म या हमीद हो, हमीद के अदद जमा कर देंगे, हे के 8, मीम के 40, ये के 10, दाल के 4, तो हमीद का अदद है 62, 62 अदद, यानी अल्लाह ज़ाते इसमें अल्लाह के 66 में अगर आप 62 अदद जमा करते हैं, 66 जमा 62, तो 128 का अदद आपके सामने आता है, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अदद है। नाज़रीन इकराम, आप अगर माए मुहर्रमुल हराम में हर रोज़ 128 मरतबा या अल्लाह हो या हमीदो पढ़ें, आपकी हर मुश्किल आसान होगी। जय शरी हजात के लिए पढ़ें, अपने कल्बी सकून के लिए पढ़ें, कोई भी आपको परेशानी है और आप बहुत सारे वज़ाइफ़ अमलियात कर कर के थक गए हैं, तो मेरे कहने से मुकम्मल यकीन के साथ इस अमल को करें। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें, मौला हुसैन का वास्ता दें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करबला का और करबला वालों के सदके आपकी परेशानी को दूर फरमाएगा। मिलते हैं एक नए राज, असरार और अमल के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।